मेरी जिंदगी का सफर और सुहाना हो गया जब से मैं अपनी चाहतों का दीवाना हो गया। ज्यादातर लोगों को जिस बात से हैरानी थी कि इंदीवर ऐसा कुछ कैसे लिख सकते हैं, उनका कहना था कि एक अच्छा गीतकार को हरफन मौला होना चाहिए। क्या हमारा जीवन एक भ्रम है सुनील जी? कई बार हमारे सच्चे रिश्ते हमें अकेलापन दे जाते हैं। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल में। चैनल के जनक हैं विश्व धर्मी विश्व शांति के पुजारी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड। चैनल का उद्देश्य समाज को सशक्त, सबल और सहिष्णु बनाना है। आप देख रहे हैं वीडियो सीरीज गीतों के बोल बड़े अनमोल, यानी वो हिंदी फिल्म के गीत जिनमें अध्यात्म छिपा है। इस प्रोग्राम की संकल्पना डॉक्टर सुनील देवधर की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर आधारित है और देवधर स्वयं इस चर्चा में भाग भी ले रहे हैं। पिछली बार हमने जनाब निदा फाजली के लिखे गीत कभी पलकों पे आंसू हैं कभी लब पे शिकायत है, इसके अध्यात्म पे चर्चा की थी। पुराने हिंदी फिल्मों में गीत जिनका अध्यात्म से संबंध है उन्हें समझने के लिए मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक राग और दूसरा गीत। अधिकांश पुराने संगीतकार और गीतकार संगीत की ओर प्रवृत्त, काव्यात्मक और बेहद रोमांटिक थे। उन्होंने अपनी आत्मा की गहराई से संगीत लिखा और बनाया और वे अत्यधिक रचनात्मक और प्रतिभाशाली थे। आज जिस गीत पर चर्चा होगी उसे लिखा है गीतकार इंदीवर जी ने, जिनका असली नाम था श्यामलाल बाबू राव और उन्हें पेशेवर रूप से इंदीवर के नाम से जाना जाता था। इंदीवर का अर्थ होता है दुर्लभ नीलकमल। उर्दू स्कूल के कवियों के विपरीत, जो खुद के प्रचार के बारे में हमेशा अग्रणी थे, हिंदी स्कूल के प्रोडक्ट इंदीवर ने कभी भी खुद को प्रचारित करने के तरीके के बारे में न तो जाना और न ही इसकी परवाह की। एक साधारण व्यक्ति जिसने बहुत ही कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था, इंदीवर ने भारत छोड़ो आंदोलन पर कविता लिखी। हम बरुआ नगर के पास झांसी के जेल भेज दिए गए। जब उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया तो वे बोले, मैं क्यों माफी मांगू, मैं और लिखूंगा। जेल में उन्होंने हिंदी साहित्य के सबसे बड़े नामों में से एक मैथिली शरण गुप्त के साथ जेल कोठरी भी साझा की थी। रिहा होने के बाद 1940 के दशक की शुरुआत में वो मुंबई आए, तब मुंबई था वो। हालांकि उन्हें अपना पहला ब्रेक 1946 की फिल्म जस्टिस चौधरी में मिला, पर उन्हें गाने का श्रेय नहीं मिला, क्योंकि पूर्व व्यवस्था के अनुसार जो अरेंजमेंट था गीतकार दीनानाथ मधु के हिस्से में ही वो श्रेय आया। बाद में उन्हें कैसे कोई जिए, फिल्म बागबान और आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, फिल्म छोटे बाबू के गीत लिखे, लेकिन उन्हें पहचान केवल रोशन और मुकेश के मल्हार से ही मिली, जिसमें तारा टूटे दुनिया देखे, बड़े अरमानों से रखा है, एक बार अगर तू कह दे और होता रहा यूं ही गर अंजाम वफा का, जैसे शानदार गाने थे। इससे उन्हें एक नियमित गीतकार के रूप में स्थापित होने का मौका भी मिला और मदद मिली, क्योंकि तब तक ये माना जाता था कि वे देशभक्ति के गीतों में ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। इंदीवर की देशभक्ति शैली को हिंदी सिनेमा में ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिला, बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। जी हाँ, मनोज कुमार की पूर्व पश्चिम में दुल्हन चली है और है प्रीत जहां की रीत सदा जैसे गीतों का इस्तेमाल कविताओं के रूप में लिखने के 20 साल बाद आवश्यक संशोधनों के साथ ही हुआ। 60 के दशक की शुरुआत में कल्याण जी आनंद जी के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दो तरह के गाने थे जिनसे इंदीवर सबसे अच्छी तरह जुड़े थे। पहला था सौंदर्य पर उनका गहन भावुक अंश और दूसरे वे गीत जो जीवन की सच्चाई से भरे हुए थे। एक तीसरा प्रकार भी था चालू गीतों का, जो उन्हें मुख्य रूप से 80 के दशक में भप्पी लहरी की साउथ की फिल्मों के लिए उन्होंने लिखे थे, लेकिन इंदीवर इन चालू गीतों के बारे में भी बहुत स्पष्ट थे। यहाँ उनका मानना था कि ये गाने नटखट थे, सस्ते अश्लील नहीं थे, जिस तरह से उन्हें फिल्माया गया था उससे ऐसा लगता था। ज्यादातर लोगों को जिस बात से हैरानी थी कि इंदीवर ऐसा कुछ कैसे लिख सकते हैं, उनका कहना था एक अच्छा गीतकार को हरफन मौला होना चाहिए, और फिर उन्हें इन गानों के लिए अच्छे पैसे भी तो मिल रहे थे। तो आज इस हरफन मौला गीतकार के लिखे गीत हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, इसके अध्यात्म चर्चा हो। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और डॉली आउटी। गीत को एपिसोड के लिए स्वरबद्ध किया है ज्ञानेश भंडारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल
और प्रोग्राम है गीतों के बोल बड़े अनमोल। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं सुनील जी। वेलकम सुनील जी। नमस्कार। ये प्रोग्राम आधारित है इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर। तो सुनील जी, चर्चा करने के लिए सुनते हैं आज का गीत। जी। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमान, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहान। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, चांद सितारों का मेला है, ये दिल फिर भी अकेला है। चांद सितारों का मेला है, ये दिल फिर भी अकेला है। महफिल में शहनाई, फिर भी दिल में है तन्हाई, है सांसों में जैसे कोई तूफान। हर कोई। सुनील जी, गीतकार इंडिवर कहीं ना कहीं इन लाइनों के माध्यम से कहीं हमसे यह तो बताने की कोशिश नहीं कर रहे कि हर मनुष्य अपने जीवन में एक हेल्दी एनवायरनमेंट की कल्पना करता है। जी। वो चाहता है कि उसके सपने अपनों के साथ पूरे हो सके, लेकिन इन सपनों को पाने के लिए, इन सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं जो रास्ता होता है वो बहुत कठिन होता है। कहीं जमीन नहीं मिलती, कहीं आसमान नहीं मिलता। जी। क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ, आपने जहाँ छोड़ा है वहीं से हम शुरुआत करते हैं। हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। लेकिन ये जो गीत है, जो बात कह रहा है गीत, कि देखिए कितनी सादी बात है, लेकिन वो है ना कि आकाश जैसी इच्छा हो सकती है, यानी इतनी ऊंची आपकी महत्वाकांक्षा या आपकी अभिलाषा हो सकती है, और उसका उसी तरह से विस्तार भी हो सकता है। लेकिन उसे पाने के लिए जो हर कोई ढूंढता है अपना आसमां, तो उसे पाने के लिए भी उसी तरह से आपके संकल्प भी होने चाहिए। वो कहते हैं ना कि मेरी जिंदगी का सफर और सुहाना हो गया जब से मैं अपनी चाहतों का दीवाना हो गया। तो आपको अपनी चाहतों को दीवानगी की हद तक जाकर पूरा करना होता है, क्योंकि जब आप उस संकल्प के साथ अपनी चाहतों के लिए आगे बढ़ते हो, तो फिर वो जो आपकी इच्छा है कि हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, तो आप आसमां को भी अपनी मुट्ठी में कर लेते हो। ये बात कहने की कोशिश गीतकार कर रहा है। As it is rightly said, dreams are those which not allow you to sleep. जी। Something like that. हाँ, सपने वही जो खुली आंखों देखे जाएं, और जो बंद आंखों में नहीं, और जो हमें सोने न दें। बहुत खूब कहा सुनील जी। तो सुनते हैं इस गीत की आगे की लाइन। मुझको जीने का कोई सहारा मिला, गम के तूफान में कोई किनारा मिला। सुनी सुनी थी जो राहें, बन गई प्यार की बाहें, लो खुशियां से मेरी हुई पहचान। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमान, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहान। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान। हमारा जीवन एक भ्रम है सुनील जी। कई बार हमारे सच्चे रिश्ते हमें अकेलापन दे जाते हैं, और अनजानी राहें, अनजाने लोग अपनों से भी ज्यादा अपनापन दे जाते हैं। क्या ये सच है? जी, वो कहते हैं ना कि अपने अगर गैर न होते, गैर न अपने बन पाते, जब कभी अपने किनारा करने लगते हैं तो दूसरे हमारा सहारा बन जाते हैं। तो एक पंक्ति भी मुझे याद आ रही है, उस कविता का एक अंश है कि मैं किसी से कुछ न कहता था, तन्हा बस न जाने क्या कुछ सहता था, दो किनारों के बीच बांधा था मुझे, करता भी क्या चुपचाप बहता था। बहुत। तो ये चुपचाप बहना क्या है,
कि जब आपने कहा कि जब अपने पराये होने लगते हैं तो ऐसे दौर में आपको चुपचाप बहना ही होता है। हमारा ही एक शेर है कि अब प्यार एक सौदा और वफा है तिजारत, अब प्यार एक सौदा और वफा है तिजारत, मची इश्क के समंदर में बहुत खलबली है। तो जब ये अपने पराये और गैर और अपने, इनके बीच जब कोई द्वंद होता है तो इस तरह की बात फिर होती ही है। बहुत खूब सुनिए जी, सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। इंसान होना काफी है, कोई फरिश्ता नहीं तो क्या, दिलों के रिश्ते क्या कम है, खून का रिश्ता नहीं तो क्या, गैर ही बनते हैं अपने, सच हो जाते हैं सपने, जो दिल का हो सच्चा अगर इंसान, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमान, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहान, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान। सुनील जी, गीत की पंक्तियां हैं, इंसान होना काफी है, कोई फरिश्ता नहीं तो क्या, ये क्या बात हुई? बहुत गहरी बात हुई। बताइए। गालिब का एक शेर याद आ गया जी। बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना। बहुत खूब। अब फर्क आ गया ना जी, आदमी और इंसान में। वहां आपने फरिश्ते की बात की है, तो जब आदमी की यात्रा है इंसान होने की, इंसान वो है जो प्रेम करे, जो सबके साथ में समदृष्टि से देखे, और जो ऐसा है वो अपने आप फरिश्ता हो जाता है, क्योंकि आदमी वो है जो दम लेता है, हर कोई आदमी है। लेकिन गालिब ने जब दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया तो यही ना कि आदमी और इंसान में वो फर्क बताया। तो इंसान जब आदमी से इंसान की यात्रा तय करने लगता है तो निस्संदेह समाज को जो कुछ अपेक्षित है, यानी एक इंसान वो जो मनुष्य मनुष्यता की बात करे, इंसान इंसानियत की बात करे, मानव मानवियत की बात करे, आदमी आदमियत की बात करे, तब वो सही मायने में इंसान है, सही मायने में मानव है, मनुष्य है। तो यहाँ वही बात है कि जब आपने कहा कि फरिश्ता नहीं तो क्या, फरिश्ता हो जाएगा, लेकिन इसी धरती पर भी फरिश्ते उतरते रहे हैं इंसान के रूप में। वो हाल ही का एक शेर है, फरिश्ते से बेहतर है इंसान हो जाना, लेकिन इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। बहुत खूब सुनील जी, धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबका स्वागत। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और कहानी चल रही है गीतकार इंदिवर की। 60 के दशक की शुरुआत में कल्याण जी आनंद जी के साथ जुड़ने के बाद इंदिवर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 के दशक में उन्होंने बीजू शाह, आदेश श्रीवास्तव, आनंद राज आनंद और जतिन ललित जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। एकमात्र संगीतकार जिनके साथ इंदिवर ने कभी काम नहीं किया वे थे SD बर्मन। उन्होंने BR चोपड़ा की फिल्म चाणक्य और चंद्रगुप्त के लिए नौशाद के साथ एक गाना भी रिकॉर्ड किया, क्योंकि साहिल लुधियानवी चाहते थे कि इंदिवर ही उस गीत को लिखे। ये सम्मान इंदिवर को इसलिए मिला क्योंकि साहिर ने उन्हें पहले कभी फिल्म चित्रलेखा के गीतों की हिंदी सत्यता की जांच और उसकी परख के लिए बुलाया था, जिस पर इंदिवर खरे उतरे थे। हिंदी फिल्मों के 3 गीतकार आनंद बख्शी और गुलजार के अलावा केवल इंदिवर ही एक हैं जिनके विचार और भाषा शैली का संयोजन मौलिक है, ओरिजिनल है, जिसे किसी और के नाम से जोड़ा नहीं जा सकता है। इंदिवर जी एक गीत को कई तरह से प्रस्तुत करते थे। उनका गाने बनाने का तरीका अनौपचारिक और अपरंपरागत था, जिसमें कोई सेट पैरामीटर्स नहीं थे। ऐसा शायद इसलिए भी था क्योंकि इंदिवर कल्याण जी आनंद जी के साथ ही रहे थे। हाँ, इंदिवर जी की अपनी विशेषताएं थी, और वर्षों की अवधि में कल्याण जी आनंद जी ने भी ये जाना कि उनका अच्छी तरह से उपयोग कैसे किया जाए। उदाहरण के लिए इंटरेस्टिंग है, वो काम में थोड़ा धीमा थे अपने इंदिवर जी। कल्याण जी आनंद जी उनसे फिल्म सफर के लिए शीर्षक गीत अतिशीघ्र
मतलब एकदम तेजी में लिखवाना चाहते थे बहुत जल्दी। इंदीवर का कहना था कि एक अच्छा गीत लिखने में एक महीने का समय लग जाएगा भाई, तो म्यूजिक कंपोजर ने यानी कल्याण जी आरंजी भाई ने ऋषिकेश मुखर्जी से किसी और राइटर को ढूंढने के लिए कहा। इंदीवर तुरंत उत्तेजित हो गए और फिल्म में गाने की सिचुएशन जानने की उन्होंने मांग की। उनसे कहा गया कि गीत इस बारे में है कि लोग जीवन के अर्थ को नहीं समझते और गीत के मुखड़े में सफर शब्द का शामिल होना जरूरी था क्योंकि वो उस फिल्म का शीर्षक गीत था। 30 मिनट के भीतर जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, उसके बोल तैयार हो गए और धुन भी तैयार हुई और स्वीकृति भी हो। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना। म्यूजिक कंपोजर राजेश रोशन का कहना था कि इंदीवर उनके पिता संगीतकार रोशन के चहेते गीतकार थे और राजेश रोशन भी उनके साथ काम करना पसंद करते थे। इंदीवर हमेशा मुस्कुराते रहने वाले व्यक्ति थे जो अपने काम के प्रति इतने ईमानदार थे कि अगर उन्हें लगता था कि वो आदमी गलत था तो वो बड़े से बड़े फिल्मकार को भी नकार देते थे। यही कारण है कि वह अन्य संभावित कम प्रतिभाओं की तरह हाई प्रोफाइल नहीं बन पाए। वो सरल थे, उन्हें राजनीति नहीं आती थी, उनके साथ काम करना एक दोस्त के साथ काम करने जैसा था। इंदीवर के रोशन परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध थे। राकेश रोशन द्वारा अपने घरेलू बैनर स्थापित करने के बाद 1982 में फिल्म कामचोर से लेकर 1997 में फिल्म कोयला तक इंदीवर ही उनके लेखक थे। राजेश रोशन के शब्दों में, जब आप उनके अमर गीतों की क्षमता और मात्रा को देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि इंदीवर अनसंग हीरो थे। जब भी मैं उन्हें डमी लिरिक्स के रूप में अपने कुछ मुखड़े देता तो वो जोर देकर कहते उन्हें बेहतर नहीं किया जा सकता है। साथ ही अगर राकेश और मैं उनकी लिखी हुई एक लाइन पर बहस करते तो वो बहस में नहीं पड़ते बल्कि कुछ ही मिनटों में एक बेहतर लाइन लिख देते जो हम दोनों को पसंद हो जाती थी। 1 जनवरी 1924 में जन्मे इंदीवर जी का 27 फरवरी 1997 को निधन हो गया। विश्व शांति दर्शन की ओर से इंदीवर जी को शत शत नमन। तो क्या ये सत्य है कि जो मनुष्य कभी थक कर नहीं बैठता, सदैव अपने प्रयासों में रत रहता है, उसी को मंजिल मिलती है। 1963 में मजरू साहब को फिल्मों में उनके योगदान के लिए फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। न साथी हो न कारवां हो, लेकिन हमें तो मंजिल की तरफ बढ़ना ही होता है। अगले हफ्ते ढूंढेंगे फिल्म इम्तहान के गीत रुक जाना नहीं तू कभी हार के, उसमें अध्यात्म क्या है। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन।